हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द न्यू लीफ। गाइस, आप सबका स्वागत है। होपफुली आप लोग सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। गाइस, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है इंटीमेट वॉश फॉर मेन एंड वुमेन। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब मर्द स्टार्ट करें इंटीमेट वॉश को यूज करना, बिकॉज फीमेल ऑलरेडी यूज करती है बहुत सारे इंटीमेट वॉशेस, बट हम मेन कभी नहीं करते हैं। हम वही साबुन लगाते हैं, वही बॉडी वॉश लगाते हैं, बट गाइस ऐसा मत करें। समर्स आ रहा है, समर्स में इचिंग होगा, वहां पे रैश होगा, वहां पे पिंपल निकलेगा, हम क्या करेंगे? सिर्फ वहां पे स्क्रैच करते रहेंगे। गाइस, इससे ना आपका प्राइवेट एरिया खराब होता है, तो प्लीज मत करें। बहुत लोग मेरे चैनल पे क्वेरी करते हैं कि हमारा स्किन ना, प्राइवेट एरिया का जो स्किन है वो डार्क हो रहा है, हम क्या करें? डार्क हो रहा है गाइस क्योंकि आपका जो पीएच लेवल है वो मेंटेन नहीं होता है। साबुन आपका पीएच बैलेंस जो होता है उस जगह का वो खराब कर देता है, तो काला पड़ जाता है आपका स्किन, प्लस स्वेट होता है उसमें, उससे भी खराब होता है, आप उसको ठीक से साफ ही नहीं कर पाते हो। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू यूज एन इंटीमेट वॉश, डोंट यूज अ सोप। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है। मैं अभी जो करंट इंटीमेट वॉश यूज कर रहा हूं उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। बहुत ही अफोर्डेबल ब्रांड है, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। आज जो इंटीमेट वॉश ब्रांड के बारे में हम बात करेंगे वो है शेरिन स्क्विब्स का डुओ वॉश फॉर मेल एंड डुओ वॉश फॉर फीमेल। सो दोनों अलग अलग हैं, तो बहुत लोग जो सोच रहे हैं कि यार सिर्फ फीमेल्स के लिए आता, ऐसा नहीं है। वी हैव ऑल्सो एन इंटीमेट वॉश विच इज स्पेशली मेड फॉर मेल। गाइज, ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही अफोर्डेबल है, मैं इसको करंटली यूज कर रहा हूँ एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड। इसका जो प्राइस है वो है ₹198, बहुत ही अफोर्डेबल है और 100 ml है तो आपका एक महीना चल जाएगा। गाइज, एक चीज मैं बात करने वाला हूँ कि देखिए, ये जो इंटीमेट वॉश है ये इतना बड़ा एक बॉटल में आता है, 100 ml का बॉटल है, ठीक है। आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग सोचते हो कि इंटीमेट वॉश कब लगाएं, यही नहीं बहुत लोगों को क्लियर होता है। तो इसीलिए मैंने एक एप्लीकेशन भी बनाया है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप कब आप इंटीमेट वॉश लगाएं। आप पहले वो वाला वीडियो देख के आओ, उसके बाद हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो गाइज, इंटीमेट वॉश आपको रोज नहाने के टाइम पे यूज करना है। आप सबसे पहले गीला कर लीजिए पूरे बॉडी पार्ट्स को, इंक्लूडिंग योर प्राइवेट पार्ट्स। उसके बाद अच्छे से गीला करने के बाद आप डुओ वॉश एम लीजिए अपने हाथ पे, इस तरह से एडिक्वेट अमाउंट लीजिएगा ताकि पूरा प्राइवेट पार्ट्स कवर हो जाए। इस तरह से लेने के बाद थोड़ा सा हाथ में मल लीजिए और आप इसको फिर अपने प्राइवेट पार्ट्स पे लगा लीजिए इस तरह से। गाइस, 30 सेकंड्स तक आपको मसाज करना है अपने प्राइवेट पार्ट्स को, इंक्लूडिंग योर पीनस, बॉल्स, एवरी पार्ट यू हैव टू यूज इट ताकि पूरा कवर हो जाए। उसके बाद आप नॉर्मल, अगर आप बॉडी वॉश यूज़ करते हैं तो बॉडी वॉश, या फिर साबुन यूज़ करते हैं तो सोप ले लीजिए, और रेस्ट ऑफ द बॉडी को आप जिस तरह से नॉर्मली आप साफ करते हैं उस तरह से आप साफ कर लीजिए इस तरह। लेकिन सोप या बॉडी वॉश आप प्राइवेट पार्ट्स पे नहीं लगाइएगा, बिकॉज प्राइवेट पार्ट्स पे हमने ऑलरेडी इंटीमेट वॉश लगा लिया है। प्लीज़ रिमेंबर, सबसे पहले इंटीमेट वॉश लगाइएगा क्योंकि इंटीमेट वॉश को मसाज करने के बाद 2 से 3 मिनट रख देना है, तब तक आप अपने बॉडी को साबुन से वॉश कर लीजिए इस तरह। उसके बाद आप अच्छे से पानी से इंटीमेट वॉश को धो लीजिए इस तरह से, आप देख सकते हैं मैं पूरे बॉडी को अब पानी से धो लूँगा। फिर अच्छे से पैड ड्राई कर लीजिए अपने प्राइवेट पार्ट्स, अपने पूरे बॉडी को इस तरह से। सो गाइज, आपने देखा एप्लीकेशन, आई थिंक अभी देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं है कि किस तरह से आपको एक इंटीमेट वॉश यूज़ करना चाहिए, और ये वाला तो बहुत ही अच्छा है टीनेजर्स के लिए। गाइज, अगर आप 15 से 17 साल के हैं और अभी भी आप कॉलेज जाना शुरू किया है, 10th बोर्ड पास हुआ है, आप अभी कॉलेज जा रहे हैं, 11th 12th में पढ़ते हैं, या बहुत ज़्यादा आप रनिंग करते हैं, खेलते हैं, एक्टिव हैं, तो पसीना तो आता ही होगा, और पसीने की वजह से उस जगह को बहुत ज़्यादा आप स्क्रैच करते हो, स्क्रैच करने से आपका वहाँ पर इरिटेशन हो जाता है, पिंपल निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं, आप मम्मी पापा को नहीं बता पाते हो, फ्रेंड्स को बता नहीं पाते हो, बिकॉज थोड़ी शर्म होती है इस एज में। तो आप क्या करो, आप ये वाला जो प्रोडक्ट है ये वाला आप लेके एक बार ट्राई करके देखो। बहुत इजी है लगाना, तो आपने देख ही लिया कितना इजी है, अफोर्डेबल भी है, सिर्फ 198 का है, 200 आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे चेक कर लो, उसमें भी डिस्काउंट्स होंगे। तो आप ट्राई करना शुरू करना, मतलब यूज़ करना शुरू कर दो, बिकॉज यही वो एज है जहाँ पे आपको अपने इंटीमेट पार्ट्स को क्लीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वहाँ से कोई गंदी स्मेल ना आए और वहाँ का जो पोर जो एरिया है वो साफ रखे। टीनेजर्स के बाद किसको यूज़ करना चाहिए? गाइज, ये वाला प्रोडक्ट को आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए इफ़ यू आर सेक्सुअली एक्टिव। इंटरकोर्स के बाद क्या होता है ना कि आपका जो
प्राइवेट एरिया होता है उसमें थोड़े थोड़े इन्फेक्शन हो सकते हैं, उसको साफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल तो साफ कर लेती है बट मेल साफ नहीं करता। हम सोचते हैं यार ऐसे ही ठीक है, बट इट इज नॉट राइट। आपको भी कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इंटरकोर्स के बाद यू शुड ऑलवेज वॉश योर प्राइवेट एरियाज विद इंटीमेट वॉश। और ये जो डुओ वॉश इंटीमेट वॉश है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, इफेक्टिव है, बिकॉज ये आपके जो बैक्टीरिया होते हैं ना प्राइवेट एरियाज पे उसको खत्म कर देती है। और एक स्पेशलिटी है इसका कि ये जो गुड बैक्टीरिया होते हैं आपके प्राइवेट पार्ट्स पे उसको खत्म नहीं करती है। बहुत सारे इंटीमेट वॉश खत्म कर देती है, बट ये जो इंटीमेट वॉश है ये गुड बैक्टीरियाज को खत्म नहीं करती है, सिर्फ बैड बैक्टीरियाज को खत्म करती है। तो आप देख सकते हो कितना फायदा है इसको यूज करने का। थर्ड, वो लोग यूज कर सकते हैं जो लोग अपने प्राइवेट पार्ट्स के कलर को थोड़ा सा साफ करना चाहते हैं और सॉफ्ट बनाना चाहते हैं प्राइवेट पार्ट्स को। बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं मेरे चैनल पे कि भैया मेरे प्राइवेट पार्ट्स काले हो गए हैं, आप कुछ ऐसा चीज़ें बताओ जिससे आप मेरा प्राइवेट पार्ट थोड़ा साफ हो जाए। आप इंटीमेट वॉश यूज़ करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज इंटीमेट वॉश क्या करता है, आपके प्राइवेट पार्ट्स के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। आप जब साबुन लगा दे तो साबुन होता है हार्श, या फिर बॉडी वॉश होता है हार्श। अपना बॉडी पार्ट का, हर एक बॉडी पार्ट का एक पीएच बैलेंस होता है, पीएच लेवल होता है। तो सोप क्या करता है, उस पीएच लेवल को खराब कर देता है और इसी वजह से आपको वहां पे इरिटेशन आना शुरू हो जाता है या फिर कालापन आना शुरू हो जाता है। तो अगर आप इंटीमेट वॉश यूज करोगे ये वाला, तो पीएच लेवल भी मेंटेन रहेगा, तो वहां पे कालापन धीरे 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 कम होगा। एक बार में नहीं होगा, धीरे 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 धीरे, मतलब कम से कम 2 से 3 महीना आप अगर यूज करोगे तो देखोगे उस जगह का जो कलर है वो बहुत हद तक साफ हो गया। तो थोड़ा पैकेजिंग के बारे में बात कर लेते हैं गाइज। ब्लू मींस मेल एंड पिंक मींस फीमेल। और इसका जो प्राइस है ये थोड़ा सा अलग है, जैसे इसका जो प्राइस है ये है 198 और इसका जो प्राइस है वो है 180। थोड़ा सा कम प्राइस है जो फीमेल वाला है, मेल वाला का 198 ₹18 का कोई फर्क है। बट फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे सेल चलता है, प्लीज जाके देख लीजिए इसका प्राइस कितना है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। सो गाइज, आई होप आपको ये वाला वीडियो ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। आप कौन से ब्रांड का इंटीमेट वॉश यूज़ कर रहे हैं वो भी मुझे बताइए, और जो लोग मेरे ये वाला डुओ वॉश का इंटीमेट वॉश यूज़ करोगे वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा था। और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।